हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आपका वेलकम है। काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था इंस्टाग्राम पे भी, एंड जो है कमेंट बॉक्स में भी काफ़ी सारे कमेंट है कि सर फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं, हमें फिक्स डेट बताओ। तो जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते होंगे, मैंने कि जो पिछले वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने आपको डेट जो है बताई है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ने वो वीडियो जो है मुझे लगता है एंड तक नहीं देखा, तो उनको पता नहीं चला है कि डेट जो है क्या थी। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आपको जो है बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखे। एंड स्टूडेंट मैं आपसे कुछ चीज़ें इस वीडियो में वो भी बताने जा रहा हूँ जो कि आपके पशुपालन डिप्लोमा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करें एंड अपने जितने भी जो साथी है जो कि इस फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हैं उन सभी के साथ में ये शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट हर बार क्या होता है, जैसे कि पिछले बार या फिर 2019 या फिर 2018 हर बार जो है एक नोटिस जारी होता है राजवास पे। ठीक है, एंड वो नोटिस जारी होता है उसमें हमारे पशुपालन डिप्लोमा से डिपार्टमेंट से संबंधित जो है वहाँ पर लिखा होता है कि ये जो फॉर्म अप्लाई की डेट है वो इस दिन से शुरू हो जाएगी एंड इस डेट तक वो जो लास्ट डेट रहेगा। लेकिन इस बार जो है नोटिस जारी नहीं हुआ, राजवास की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं अभी हूँ एंड अभी मैं आपके सामने चेक कर पा रहा हूँ। ठीक है, सभी लिंक यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन HDP फर्स्ट ईयर है सभी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर AHDP 2021 के बारे में अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज यानी जो लिंक है वो नहीं दिया गया है। तो कब तक जारी हो सकता है सभी चीज़ें इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताऊँगा। स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं फॉर्म अप्लाई डेट की बात करूँ, तो पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट 21 ठीक है 21 तारीख से पहले पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 21 तारीख जो कि मैंने आपको बता दी है कि 21 तारीख से पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। वैसे स्टूडेंट 10 दिन जो है फॉर्म अप्लाई की डेट लेट है पिछली बार की तरह अगर मैं देखूं, क्योंकि पिछली बार अक्टूबर में सेकेंड वीक में फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, वो था कि सर जो मतलब फॉर्म स्टार्ट शुरू हो जाएंगे, तो सर फॉर्म शुरू होने के बाद में हमें जो है वो कॉलेज की लिस्ट है वो किस प्रकार से डालनी, जो कि हमारे 82 कॉलेज है ना यानी वेटनरी कॉलेज है, तो सर हमें लिस्ट कौन कौन सी डालनी है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना एंड अगर आप अभी फ्री हो तो अभी देख लेना, लेकिन जब भी आपको बाद में टाइम मिले तो बाद में देख लेना, क्योंकि मैं प्रोसेस बार बार आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, एंड फॉर्म अप्लाई होंगे तब आपको ये जो है करना है, जब भी आप अपने मित्र या फिर मोबाइल के साथ से फॉर्म अप्लाई करो ना। ठीक है, जो भी 82 कॉलेज है उसकी लिस्ट जो है पहले से निकाल लेना। ठीक है, क्या करना है आपको जो है राजवास की ऑफिशियल वेबसाइट से भी जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, उस लिस्ट में टोटल 82 कॉलेज का जो है आपको पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र में इतनी कॉलेज है। ठीक है, टोटल 82 कॉलेज है, लेकिन आप जिस जिले में रहते हो एंड जिस सिटी में या फिर जिस गाँव में रहते हो अपने आस पास के कॉलेज को देखना। ठीक है, कि मैं यहाँ पर रहता हूँ तो मेरे आस पास में कौन कौन से कॉलेज है। ठीक है, उनको देखने के बाद में वो जो है एक पेज ले लेना अगर फॉर्म अगर अप्लाई। देखिए मेरा तो यही कहना है, अगर आप जो है फॉर्म पहले भी आपने कोई मोबाइल से अगर फॉर्म फिल किया है तो ही मोबाइल से करना, अन्यथा जो है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फ़ोन से जो है अप्लाई कर देते हैं, बाय चांस 100 में से एक दो होता है फॉर्म अप्लाई नहीं होता है एंड काउंसलिंग के टाइम उनको कुछ ही पता नहीं होता है कि सर हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आया। तो ऐसा नहीं करना है, मित्र के पास चले जाना एंड पहले उसे बोलना है कि जो कॉलेज की लिस्ट है वो हमें प्रोवाइड कराओ। ठीक है, तो वो आपको कॉलेज की लिस्ट दे देगा। ठीक है, उसमें से अपने क्षेत्र के हिसाब से यानी अगर मान लो कि आप जयपुर से हो, ठीक है, तो क्या करना है जयपुर में जितने भी कॉलेज है उसको एक जो है आपने देखना कि मेरे पहले ये है, पहले आपको सबमिट कौन से करने। एक कंफ्यूजन ये भी रहता है कि सर मैं जो पहले जो है प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट करूं मेरे पास में है, या फिर जो दूर है लेकिन सर गवर्नमेंट कॉलेज करूं, यानी प्राइवेट कॉलेज तो मेरे बिल्कुल भी पास है एंड जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो तो बहुत दूर है, तो सर मैं चॉइस में जो है पहले कौन से कॉलेज रखूं, पहले मुझे प्राइवेट कॉलेज रखने चाहिए फिर गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं 12th में, ठीक है 80% से ऊपर है या फिर जो है 85% है, तो स्टूडेंट मैं आपसे जो है यही कहूँगा कि चाहे गवर्नमेंट कॉलेज आपसे दूर कितना भी क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि दूर तो हो वहां पर आप कर लोगे लेकिन फी वहां पर बिल्कुल भी कम लगेगी आपकी। तो क्या करना है जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनको पहले सिलेक्ट कर लेना, यानी सिलेक्ट का मतलब चॉइस डालनी। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में यानी कि आप जयपुर से अजमेर से जहां कहीं से भी हो अपने प्राइवेट जो कॉलेज है उनको चॉइस करना है अपने आसपास के कॉलेज को। ठीक है, चॉइस कर लेना।
अब देखिए जो 82 कॉलेज है, एक बार मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, 82 कॉलेज है उनमें से ऐसा तो नहीं है ना कि आप जो है मतलब आपने 10-20 कॉलेज की उसके बाद में आपने मित्र वाले को बोला कि भैया आप अपने हिसाब से कर दो, ऐसा बिल्कुल भी मत बोल देना, ठीक है। क्योंकि आप उसको पैसा दोगे मित्र वाले को तो ढंग से उसके पास में बैठ के, क्योंकि ये सभी चीज़ें उसमें आपकी एक भी चीज़ अगर गलत हो जाती है उस टाइम तो काउंसलिंग के टाइम फिर आपको मत बोलना कि सर ये गलती हो गई। 82 कॉलेज को अपनी अनुसार चॉइस फील करनी है सभी कॉलेज। एक काम करना, फॉर्म जब भी अप्लाई होता है एक दिन पहले तो है वो कॉलेज का लिस्ट है वो मोबाइल से निकाल लेना, कैसे भी पेज निकाल लेना इंडिया, फिर मित्र वाले के पास से लेना, फिर घर से आराम से उसको चॉइस लगा कि ये कॉलेज फील करना, उसके बाद में मित्र वाले को बोलना कि भैया ये लो पेज, इस हिसाब से इन कॉलेज को सिलेक्ट कर दो, यानी इस प्रकार से फील कर दो, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज पहले फील करना है, उसके बाद में अपने क्षेत्र के जो पास के प्राइवेट कॉलेज है वो फील करना है, ठीक है। उसके बाद में जो है यानी ये तो कॉलेज का हो गया सबमिट, उसके बाद में अपना नेम, ठीक है, जो आपका नेम है, आपकी जो DOP है, आपका फादर नेम है, मदर नेम है, आपका जो एड्रेस है, जो आपका पिन कोड है, ठीक है, ये चीज़ें जो है आपको गलत नहीं करनी, एंड आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो वेरी मोस्ट 3-star है ये बात, ठीक है। अपने मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी अगर ये दो गलत हो गए, एंड एक चीज़ का और ख्याल रखना ना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जब वो ईमित्र वाला सबमिट करता है तो क्या होता है, कई बार ईमित्र वाला अपने खुद की ईमित्र की ईमेल आईडी डाल देता है। लेकिन स्टूडेंट आप गलती मत करना, अपनी पर्सनल ईमेल आईडी हर के पास होती है, आपके पास में नहीं है ना तो अभी बना लो ताकि उस टाइम आपके समय बचे, और उसको आप बोलना कि आप अपने भैया मोबाइल नंबर भी मेरे ही देना और ईमेल आईडी मेरे ही देना, ठीक है। क्योंकि जब भी कॉलेज के बारे में आपको जो है इंस्टीट्यूट अलाउड होगा तब आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पे वो आपको बोलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया ना जो भी प्रोसेस थी। अब भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो या तो इंस्टाग्राम पे चले जाओ, वहां पर अशोक प्रजापत 952 सर्च करके जो भी पूछना है वहां पे पूछ लो, या फिर यार कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स किस लिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करना जो भी आपको पूछना है वहां से पूछ लेना। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यार अब आपका कोई भी डाउट रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी डाउट है वहां से क्लियर कर लेना बेझिझक। किसी भी प्रकार का कोई भी मुझे जो है वेटनरी से संबंधित या फिर कोई भी आपको डिप्लोमा से संबंधित आपका कंफ्यूज हो तो आप बेझिझक कमेंट कर ही लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू नोटिफिकेशन के साथ।